वेलकम बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक भी पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में से है। पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में जो दूसरा स्टेप था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म और दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और इसको हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। आज की डिस्कशन का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा। याद रहे एम्ब्रियो पहले नहीं बनता है बल्कि फर्स्टली एंडोस्पर्म बन जाता है। और एंडोस्पर्म क्यों बन जाता है? बिकॉज ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? दिस इज द एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। नाउ आज की डिस्कशन का टॉपिक हमारा क्या है? एम्ब्रियोजेनी। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज एम्ब्रियोजेनी। उसको क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोजेनी। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज एम्ब्रियोजेनी। What are the different stages of the formation of embryogeny? एक और चीज याद रहे, monocots और dicots में early stages of the formation of embryo बिल्कुल common है, last पे stages थोड़ी different हो जाती हैं, क्योंकि monocot में single cotyledon होता है और dicot में two cotyledon होते हैं, वो हम last पे देखेंगे, लेकिन अर्ली स्टेजेस बिल्कुल सेम हो जाते हैं। तो हमारा प्रोसेस फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये वाला सेल है, सिंगल सेल है, न्यूक्लियस के यहां है, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द जायगोट। याद रहे जायगोट कहां से बना था? फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग सेल, रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट। ये डिप्लॉयड जायगोट है। इस डिप्लॉयड जायगोट की फर्दर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो जाएगी, वही एम्ब्रियो कहलाया जाता है। तो क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज इसकी क्या है, इसको हम देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्या हो जाता है? इस जायगोट की डिवीजन होती है, बट डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। इससे क्या हो गया? अनइक्वल डिवीजन हो गई। इससे दो सेल बने, एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना। दिस सेल, ये जो बड़ा सेल है, इसको बेसल सेल कहते हैं और इस छोटे सेल को टर्मिनल सेल कहा जाता है। ये जो बेसल सेल होता है, इट इज टूवर्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है और ये चलासल एंड की ओर होता है। ये जो टर्मिनल सेल होता है, ये एज सच रहता है, इसको कुछ भी नहीं होता है, बट इस बेसल सेल की फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाती है इस तरह से, और इससे दो सेल बन जाते हैं, और दो के बाद चार सेल बन जाते हैं, चार के बाद फर्दर और भी इसके सेल्स बन जाते हैं, छह, और छह से लेकर दस सेल भी बन जाते हैं, एक लाइन बन जाती है सेलों की। तो इस लाइन, जो सेलों की लाइन बनी हुई है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसको सस्पेंसर कहते हैं, सस्पेंसर, इसको सस्पेंसर कहा जाता है। इस सस्पेंसर का क्या काम है? ये क्या काम करता है? ये नॉरिशमेंट को अब्सॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है, और इसका ये जो एक पहले वाला सेल है, ये काफी एनलार्ज हो जाता है, और इस फर्स्ट सेल का नाम हस्टोरियम बन जाता है, यानी ये हस्टोरियम बन जाता है, और ये क्या करता है? ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर लेता है। जब हमारे पास एम्ब्रियो की एक ऐसी स्टेज आ जाती है, ये छह से लेकर दस सेल्स की एक लाइन बन जाती है, जिसको सस्पेंसर कहा जाता है, उसी वक्त ये जो टर्मिनल सेल है, जो हमने रेड कलर का दिखाया है, इसकी क्या हो गई? डिवीजन हो गई, बट इसकी डिवीजन उस प्लेन पे नहीं हुई, उसकी ट्रांसवर्स प्लेन पे हुई थी, इसकी डिवीजन वर्टिकल प्लेन पे हो गई, और इससे हमारे पास क्या बन गया? टू सेल स्टेज एम्ब्रियो। इट इज टू सेल स्टेज एम्ब्रियो। पहली डिवीजन इसकी वर्टिकल प्लेन पे हुई,
सेकंड डिवीजन इसकी ट्रांसवर्स प्लेन पे हो जाएगी तो चार बन जाएंगे। उसके बाद फिर डिवीजन हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली स्टेज आ जाएगी। यहां पर हमारे पास कितने सेल्स हैं, ये 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो है। दिस इज 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो। इसमें लेकिन दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली ऊपर वाली लाइन है जिसको हम फर्स्ट टायर कहेंगे, ये सेकंड टायर कहलाई जाएगी। इसके ऊपर वाले सेल्स का नाम होता है हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल्स, यानी वो वाले सेल्स विच आर टुवर्ड द सस्पेंसर। जो सेल सस्पेंसर की ओर हैं उनको हम हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं, और जो सेल्स नीचे की ओर हैं यानी टर्मिनल एंड पे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एपिबेसल सेल्स कहते हैं। तो जो सेल्स टर्मिनल एंड पे हैं उनको हम एपिबेसल सेल्स कहते हैं, जो हाइपोबेसल सेल्स हैं वो ऊपर वाले रीजन। ये था 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो। जब अगली स्टेज पे आ जाएगा, अगली स्टेज पे क्या हो जाएगा, इसकी फर्दर डिवीजन हो जाएगी, हमारे पास 8 से लेकर 16 सेल्स बन जाएंगे। और फर्दर डिवीजन डिवीजन होते 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 आपके पास इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां पर कॉटिलीडन्स भी बन रहे हैं और प्लीम्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर फर्दर डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेज ये वाली स्टेज आ जाएगी और इसमें आपके पास कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। दिस इज द एम्ब्रियो नाउ। इसमें क्या है, ये वाला रीजन जो है इसको रेडिकल कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। ये वाला रीजन जो है इसको प्लीम्यूल कहा जाता है और इन स्ट्रक्चर्स को कॉटिलेडॉन कहते हैं, कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। और यहां वाला रीजन जो है इस रीजन को एपिकटाइल, और ये ऊपर वाला रीजन जो रेडिकल वाली साइड का रीजन है इसको हाइपोटाइल कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। यहां से एक बात याद रहे, प्लीम्यूल कॉटिलेडॉन का स्ट्रक्चर किन सेल्स ने बनाया, जो यहां हमारे एपिबेसल सेल्स हैं, जो लोअर टायर के सेल्स हैं, इससे क्या क्या बना, प्लीम्यूल एपिकटाइल एंड कॉटिलेडॉन इससे अराइज हो गया, और जो ऊपर वाले सेल्स हैं हाइपोबेसल सेल्स उससे रेडिकल और हाइपोकटाइल सेल्स बन जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर द मैच्योर डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। मोनो डाइकोटिलेडॉन क्यों कह रहे हैं, इसमें दो कॉटिलेडॉन इस तरह से अराइज हो रहे हैं, बट इन केस ऑफ मोनो कॉटिलेडॉन ये दो कॉटिलेडॉन नहीं है, इन दोनों की ग्रोथ को सप्रेस किया जाता है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम सिक्यूटलम कहलाया जाता है। तो एक बार और याद रहे, हाइपोबेसल सेल्स क्या बनाएंगे, हाइपोबेसल सेल्स क्या क्या बनाते हैं, रेडिकल, रेडिकल और बनाएंगे हाइपोकटाइल, हाइपोटाइल। और दूसरा होता है एपिबेसल सेल्स क्या क्या करते हैं, एपिबेसल सेल्स प्लीम्यूल बनाएंगे, एपिकटाइल बनाएंगे और कॉटिलेडॉन बनाएंगे। दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, और यू कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, या इसी को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो दो स्टेजेस हमने डिस्कस करी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यू कैन से दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में से पहला स्टेज हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। और इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। दिस इज ऑल अबाउट